क्वेश्चन नंबर सिक्स का ये पार्ट है, हमें म्यू और सिग्मा दिया गया है और हमने एक पॉइंट फाइंड करना है, यानी ऊपर वालों की तरह ये फाइंड करना है, जिसके लिए हमें एरिया 15% दिया गया है बिलो इट। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है, म्यू 30, सिग्मा 5 और ए लेस देन कितना दिया गया है 15%। 15% कितना होता है, 15 / 100 0.15। ठीक है जी, ये हमने क्या करना है फाइंड। ठीक है, x लेस देन a इक्वल टू 0.15, इसके लिए हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब पहले हम z में बना लेते हैं, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। x क्या है, x हमने फाइंड करना है a रख लेते हैं, म्यू 30 और सिग्मा 5 है, तो रिलेशन बना लेते हैं, p z लेस देन a माइनस 35, इसके लिए 0.15 हमें दिया गया है, और लेस देन के लिए क्या हम फाइंड करते होते हैं 5, a माइनस 30 ओवर 5 इज इक्वल टू 0.15। 5 को उस तरफ ले जाते हैं तो 5 इनवर्स हो जाएगा, टेबल 10 से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ज़ीरो पॉइंट वन फाइव के ज़ीरो में माइनस 1.0364। ठीक है, ये आपका टेबल 10 बुक के अंदर दिया गया, माइनस 1.0364। ठीक है जी, 5 को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई माइनस 1.0364, फाइव मल्टीप्लाई माइनस 1.0364, तो ये आ गया माइनस 5.182। माइनस 5.182, माइनस 30 है उस तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस 30 हो जाएगा, और जो उधर है उसको वैसे लिख देंगे, तो दोनों को माइनस कर लें, तो ये हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 24.8 समथिंग। ठीक है जी, सिंपल पिछली तरह ही क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद पार्ट टू है, वही डाटा है हमारे पास, म्यू है 30, सिग्मा है 5। अब जो हमने फाइंड करना है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 28% है, जी बना लेते हैं, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। एक्स ए है, म्यू 30 है, सिग्मा 5 है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस 30 ओवर 5 इक्वल टू 28% क्या आ जाएगा 0.28। ग्रेटर देन के लिए क्या रिलेशन होता है, वन माइनस फाइव ए माइनस 30 ओवर 5 इक्वल टू 0.28। ये वाली वैल्यू इधर ले तो माइनस हो जाएगी, और ये माइनस 5 वाली उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, ए माइनस 30 ओवर 5, इनको माइनस कर लें, 1 - 0.28 तो 0.72 इधर आ गया 5, ए माइनस 30 ओवर 5, 5 को उधर लेके जाएं, 5 इनवर्स हो जाएगा, तो 0.72 की 0 में देख लेते हैं, ये आ गया 0.72 की 0 में 0.5828
5828। अब जो इधर 5 है वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.914। माइनस 30 को इधर लाएंगे तो प्लस 30 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32.9। ठीक है जी, थर्ड पार्ट जो है उसमें हमने यानी कि बिटवीन की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स बिटवीन ए एंड बी 95% 0.95 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी का एक रिलेशन है, एक्स लेस देन ए प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स बिटवीन ए एंड बी प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन बी, ये इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हमें दी गई है, ये हम यहाँ ला लेते हैं 0.95। इसको ऐसे लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन बी इक्वल टू 1। इसको उस तरफ ले जाते हैं, एक्स लेस देन ए प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस 0.95। तो ये 0.01 माइनस 0.95, तो ये आ जाएगी 0.05। अब देखें ज़रा, यहाँ पर हमें ये दो वैल्यूज़ को ऐड करके ये आ रही है, तो अगर हमने एक निकालनी हो तो फिर गौर से देखें क्या होगा, इसकी भी और इसकी भी दोनों की हो जाएगी हाफ़, क्योंकि पहले दो थे ना, अगर एक लेंगे तो इसको हाफ़ करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे ग्राफ में, दोनों को जमा करके ये आ रही थी ना, तो अगर दोनों की अलग-अलग निकालें यानी इसको दो से डिवाइड करें तो दोनों की वैल्यू इतनी बन जाएगी। अब ये हम दोनों सेपरेट सेपरेट निकाल लेते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन ए इक्वल टू 0.15, इसको जब जी से चेंज करेंगे तो क्या रिलेशन होता है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, एक्स ए है, म्यू म्यू हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है हमें, 30 और सिग्मा क्या है 5 इक्वल टू 0.15। अब इसको जी से चेंज कर देंगे और लेस देन के लिए क्या रिलेशन होता है, 5, आगे से आप उसी तरह करेंगे, 5 को उधर ले जाएंगे, 5 इनवर्स आ जाएगा 0.15। ज़ीरो पॉइंट वन फाइव के ज़ीरो में देख लेते हैं, तो ये है माइनस 1.0364। 5 को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया माइनस 5.182। और फिर 30 को इधर ला के ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 24.818। ठीक है जी,
ये वैल्यू यहाँ सही कर लें, हमारा यहाँ जो वैल्यू थी वो इन 1.5 में लिख दी थी, तो 0.025 है, बाकी सारा वैसे ही है। यहाँ ये वैल्यू चेंज करते जाएंगे आप, तो 0.02 की 5 में देखेंगे ये आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, अब आंसर सही आ जाएगा इस तरह। ठीक है जी, अब दूसरा जो था वो बी के लिए था, ठीक है, कन्वर्ट कर लिए यहाँ, एक्स बी से कन्वर्ट हो गया, 30 वैल्यू वही है। अब ये चूंकि ग्रेटर के लिए था ना, ग्रेटर आएगा, ग्रेटर के लिए क्या थ्योरम था, 1-5 ये वैल्यू इक्वल, ये इस तरफ आकर माइनस हो जाएगी, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगी, इनको माइनस करेंगे और फिर 5 इधर आकर 5 इनवर्स हो जाएगा, 0.97 की 5 में देखेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, फिर 30 प्लस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, इसमें 10th परसेंटाइल और 19th परसेंटाइल हमने मालूम करना है, यानी दिया गया है उसके लिए वैल्यू फाइंड करनी है, म्यू दिया गया है और सिग्मा दिया गया है। इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परसेंटाइल जब होगा तो हमें लेस देन ही फाइंड करना है दोनों में, ठीक है, तो म्यू आ गया, सिग्मा आ गया, परसेंटाइल आ गया, लेस देन फाइंड करना है, जी से कन्वर्ट करेंगे एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, एक्स को किसी भी वेरिएबल से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने ए ले लिया, ए माइनस म्यू और सिग्मा की वैल्यू आ गई, लेस देन फाइंड करना है, तो लेस देन के लिए क्या होता है, फाई हमने इसका फाइंड करना है, तो ये वैल्यू कहाँ से आई, जो हमें उसने 10th परसेंटाइल दिया है ना वही लेना है, यानी 10% वो 0.10 होता है, ठीक है, 5 इधर आकर 5 इनवर्स हो जाएगा, टेबल से 10 से वैल्यू देखेंगे, 0.10 की 0 में ये आ जाएगी वैल्यू, 10 को इधर आकर मल्टीप्लाई करेंगे तो -12.816 आ जाएगा, फिर 30 को ऐड करेंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसका सेकंड पार्ट है, उसमें 19th परसेंटाइल है तो 90.90 आ जाएगा, बाकी वैल्यू वैसे ही हैं, परसेंटाइल जब भी होगा तो लेस देन हमने फाइंड करना होता है, कन्वर्ट कर लिया जी के लिए और फिर लेस देन के लिए फाइव आ गया, फाइव उधर आकर फाइव इनवर्स 0.90 की टेबल 10 में वैल्यू देखेंगे तो 1.2816 आ गई, 10 को उधर आकर मल्टीप्लाई किया तो 12.816 आ गया, फिर 30 को इधर आके ऐड कर दिया तो 42.186 हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आगे सी का फर्स्ट पार्ट है, 95th परसेंटाइल, वैल्यूज चेंज हो गई है म्यू और, तो परसेंटाइल जब भी हो लेस देन फाइंड करना है, मैंने बता दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो एक्स लेस देन 95th परसेंटाइल है, परसेंटेज 95 हो जाएगी, लेस देन के लिए म्यू सिग्मा दिया गया है, जी एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा कन्वर्ट कर लिया हमने वैल्यूज रखकर और सेम फार्मूला वैसे ही बना लेना है, और लेस देन के लिए क्या होता है फाई, ठीक है, उसके बाद फाई को उधर ले जाएंगे तो 0.95 की 0 में टेबल 10 से वैल्यू ले लेंगे 1.6449, फिर 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें और फिर 500 को इधर आकर ऐड कर दें, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल निकालनी है, ठीक है, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल के लिए यहाँ पर रिलेशन याद कर लें, लोअर जो होती है Q1 होती है, इसके लिए म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा वैल्यूज़ हमें वही वाली लेनी है हमने, ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में सारे मैंने ये बताए हुए हैं फार्मूला, आप पहले वो देख के याद कर सकते हैं, म्यू 500 है, ये मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को माइनस कर लेंगे, अपर क्वार्टाइल Q3 होती है, म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा, आप इसको ऐसे ही लिख लें, ठीक है, और फिर वैल्यूज रख के इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। थर्ड है, थर्ड में क्या निकालना है, इफ़ द यूनिवर्सिटी अकोमोडेट टू 14%, यानी 0.40 हो गया, ऑफ द स्टूडेंट हाईएस्ट, हाईएस्ट के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटर वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, डाटा वही है, ठीक है, म्यू भी सिग्मा भी 40% के लिए 0.40, अब यहाँ पर ये ग्रेटर आ जाएगा तो जी से कन्वर्ट करवा लिया, प्रोबेबिलिटी जी ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन के लिए क्या रिलेशन होता है, 1-5, और ये वैल्यू आ गई, इसको इस तरफ ले आएंगे, ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, इनको पहले माइनस कर लिया, 5 इधर आकर 5 इनवर्स हो जाएगा,
तो 0.60 की जीरो में देखेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, फिर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, 500 इधर आके ऐड हो जाएगा, और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।